नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कांग्रेस के गले एक नई मुसीबत पड़ गई है, जिसके लिए विरोधी पार्टियों से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाई है पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड ने। उसकी एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें राफेल के बहाने मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए, लेकिन खुद घिर गई कांग्रेस। दरअसल हर बड़ी पार्टियों का अपना मुखपत्र होता है। जैसे पांचजन्य को बीजेपी का मुखपत्र माना जाता है, तो वहीं सामना को शिवसेना का मुखपत्र माना जाता है। इसी तरह नेशनल हेराल्ड को भी कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता है। इन समाचार पत्रों में बाकी खबरों के अलावा पार्टी से जुड़ी खबरें भी प्रमुखता से दी जाती हैं। ऐसी एक खबर नेशनल हेराल्ड ने 30 जुलाई को भी फ्रंट पेज पर दी, राफेल मोदीज बोफोर्स शीर्षक के साथ। इस खबर के जरिए राफेल डील को मोदी सरकार का भ्रष्टाचार बताने की कोशिश की गई, लेकिन खबर के शीर्षक में बोफोर्स का नाम जोड़ने से खुद कांग्रेस ही मुश्किलों में घिर गई। खबर का शीर्षक इस ओर इशारा कर रहा है कि बोफोर्स में भी घोटाला हुआ था। राफेल डील को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड ने ही आईना दिखाने का काम किया है। इस खबर को लेकर शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोला है। खबर को शेयर करते हुए ट्विटर पर पूनावाला ने लिखा है, पीएम मोदी पर हमला करने के लिए उन्होंने सभी चाय वालों और गरीबों पर हमला किया। मोदी पर हमला करने के लिए उन्होंने सेना और भारत पर हमला किया, और आज नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए उन्होंने अपने देवता गांधी राजवंश पर भी हमला किया। नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए वह अपना होश भी खो सकते हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, मैं इससे हैरान नहीं हूं। एक दोषी आत्मा को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। वे जानते हैं कि वे दोषी हैं, इसलिए यह निकला है। आपको बता दें, बोफोर्स को लेकर कांग्रेस पर घोटाले के आरोप लगते रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और मौजूदा पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रहे हैं।